अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने न्यूमेरिकल नंबर 2 करना है। तो पहले हम इसको रीड कर लेते हैं। अ पेंडुलम ऑफ लेंथ 0.99 मीटर इज टेकन टू द मून बाय एन एस्ट्रोनॉट। एक पेंडुलम है जिसकी लेंथ 0.99 मीटर है, उसको एक हलाबाज चांद पर ले जाता है। द पीरियड ऑफ द पेंडुलम इज 4.9 सेकेंड। पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना है? 4.9 सेकेंड। और हमने क्या चीज़ फाइंड करनी है? जी की वैल्यू चांद की सतह पे। ओके, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। सबसे पहले हम डाटा लिखेंगे। लेंथ ऑफ पेंडुलम एल इज इक्वल 0.99 मीटर एंड टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम 4.9 सेकेंड टू फाइंड। हमने क्या चीज फाइंड करनी है? जी एम की वैल्यू फाइंड करनी है। अब हम इधर लिखेंगे फार्मूला। फार्मूला तो हमने याद करना होता है। फार्मूला हमें दिया हुआ है टी इज इक्वल 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। ये फार्मूला हम लिखेंगे। फार्मूले के तहत हम फाइंड कर सकेंगे न्यूमेरिकल का आंसर। इधर जी के साथ हम एम लगा लेंगे क्योंकि जी एम हमने फाइंड करना है। अब वैल्यूज पुट करेंगे बाय पुटिंग वैल्यूज। टी की वैल्यू में दी हुई है 4.9 सेकेंड, 2 पाई अंडर रूट लेंथ हमने लिखी है 0.99 डिवाइडेड बाय जी एम। अब 4.9 सेकेंड उस साइड पे ले जाएंगे, 2 पाई अंडर रूट 0.99 डिवाइडेड बाय जी एम इक्वल 4.9। अब 2 पाई भी उधर ले जाएंगे हम, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर डिवाइड हो जाएगा, 0.99 डिवाइडेड बाय जी एम इक्वल 4.9 डिवाइडेड बाय 2 × 3.14। ये हमने पाई की वैल्यू पुट कर दी, 0.99 डिवाइडेड बाय जी एम इक्वल 4.9 डिवाइडेड बाय 6.28 आ जाएगा इनको मल्टीप्लाई करने से। ओके, आगे हम कर लेते हैं इसको डिवाइड। अंडर रूट 0.99 डिवाइड बाई जी एम, इसको डिवाइड करने से हमारे पास क्या आंसर आता है? 0.7803। कैलकुलेटर से हमने फाइंड कर लिया। अब हमने लिखना है बाय टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। ओके, 0.99 डिवाइडेड बाई जी एम अंडर रूट इसका होल स्केयर लिया, 0.7803 का होल स्केयर लेंगे। ये स्केयर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 0.99 डिवाइडेड बाय जी एम इक्वल इसका होल स्केयर लेने से मेरे पास क्या आंसर आता है? 0.6089। ओके, अब आगे इसको हम कर लेते हैं। जीरो पॉइंट नाइन नाइन डिवाइडेड बाई जी एम इक्वल 0.6089 आया हमारे पास। तो ये जी एम हम उधर ले जाएंगे और ये हम इधर डिवाइड कर देंगे क्योंकि हमने जी एम की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, 0.99 डिवाइडेड बाई 0.6089 इक्वल जी एम। इसको डिवाइड करने से हमारे पास आंसर आ जाएगा। जी एम को हम लेफ्ट साइड पे लिख लेते हैं, हमारे पास आंसर आ गया। इसका हमारे पास आंसर आ जाता है 1.63। कैलकुलेटर से फाइंड कर लेना 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, ये हमारा फाइंड हो गया सेकेंड न्यूमेरिकल। ओके, बहुत इजी होते हैं ये न्यूमेरिकल्स, आपने ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। आज हमारा दूसरा न्यूमेरिकल भी क्लियर हो गया।
अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कमेंट और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।